What's up guys, welcome to my new vlog। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लेके जाने वाला हूँ। आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सी जगह है वो। जी हाँ, टाइटल से आपको पता लगी गया होगा किधर हम जाने वाले हैं। तो चलते हैं और कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपको बहुत ही आपके जो फेवरेट स्टार्स हैं, कास्ट है, उनसे मैं आपको मिलवा पाऊँ। सुबह का ब्रेकफास्ट भी रेडी है। ब्रेकफास्ट में देखिए हम क्या खा रहे हैं, मैगी। तो ब्रेकफास्ट पे मैगी खानी नहीं चाहिए, लेकिन आज मेरा मूड हुआ कुछ कि मैगी खाता हूँ, इसलिए मैं मैगी खा रहा हूँ। और अभी मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, तो इसलिए जल्दी खा के जल्दी से निकलूँगा। ओके, आई एम लीविंग विदांत, बाय बाय। ओके महेश भैया, बाय बाय। सो अभी ब्रेकफास्ट एंड ऑल हो गया सब, तो आई एम लीविंग फॉर द सेट राइट नाउ। काफ़ी लेट हो गया हूँ आज मैं शूट के लिए, अराउंड 12 बज गए हैं। लेट्स सी क्या रहता है लोगों का रिएक्शन वहाँ पे और कैसे क्या होता है, देखते हैं। ओके लेट्स सी। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाभी जी घर पर है के सेट पे, और हप्पू की उल्टन पलटन के सेट पे। हप्पू की उल्टन पलटन की शूटिंग भी यहाँ पे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका सेट। वो बाहर से दिखा पाऊँगा, लेकिन भाभी जी में मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरा हर चीज़ सारा कुछ कवर करूँ। जी हम लोग एंटर हो रहे हैं भाभी जी घर पर है के सेट पे। हेलो, क्यों गया? शायद अभी शूट स्टार्ट होगा, तभी इतना सन्नाटा दिख रहा है। नीरज में क्या करते हैं? ये है अपने शिवम सर, डायरेक्टर ऑफ भाभी जी घर पर है। कैसे सर? हिमांशु रेड्डी डीओपी। भाई मास्क नीचे है। बैटिंग चेंज और बैटिंग ड्यू टू स्टंट शूट इज गोइंग टू बी रेडी। शॉट लग रहा है। सो गाइस अभी हमारे भाभी जी घर पर है पे ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक, तो जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। तो अभी हम लोग जाएंगे ऑफिस से, शूट रिज्यूम करेंगे। उससे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि आपको थोड़े बहुत अभी स्टार कास्ट जो हैं हमारे, उनसे मैं आपको थोड़ी बात बात कराऊँ, गुफ्तगू करवाऊँ। लेट्स बिगिन। सो गाइस चलिए आपको मैं मिलवाता हूँ अपनी पहली स्टार कास्ट से, जो भाभी जी की टीम की हैं, बहुत फेमस है, आप जानते ही होंगे इनको। हेलो सर। हेलो हेलो सर, कैसे हैं? तो आप जानते होंगे ये हैं अपने मलखान और ये हैं अपने टीका। सर बहुत सारे आपके फैंस हैं, आपको देखते हैं शो में, तो सर क्या आप उनके लिए कुछ बोल सकते हैं? कुछ भी, बस ये कि भाभी जी घर पर देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये आता है रोज 10:30 बजे रात को, सोमवार से शुक्रवार। हंसते रहिए और दूसरों को बताते रहिए कि हम हंस रहे हैं और उनको भी हंसाइए। ये है अपने वैभव सर एज अ टीका। क्या हाल है दोस्तों, बढ़िया है ना सब कुछ? भैया मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जीवन में खुश रहने की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कहा है खुशी, या खुशी है हंसते रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, स्वस्थ रहो। भैया हर हालत में खुश रहने की कोशिश करो यार, जीवन छोटा सा है, मजे लो इसके। और हमारा जो भाभी जी घर पे है ना, वो बराबर देखते रहो, क्योंकि वो ही सबसे बड़ी बूटी है खुशी की। और हमारे मानस है ना, इसको अप्रिशिएट करो, इसका यूट्यूब चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये तो हो गए अपने टीका और मलखान, चलिए आपको मिलाते हैं अगली स्टार कास्ट से। लुक हूज इज हियर, डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ और आप लोग भी जरूर अच्छे होंगे। और हमारा ये भाभी जी घर पे शो देखते रहें, हमारे मानस अरोड़ा इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार ढेरों ढेर देते रहें। और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द इनके सब्सक्राइबर मिलियन में हों, तो आप लोग देखें, प्यार दें। और ये बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं और सबसे बड़ी बात कि ये शहर कानपुर पे स्टोरी पे हमारा भाभी जी है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं ही यहाँ पर हूँ कानपुर का बेसिकली, और ये हमारे होम टाउन यानी ये भी हमारे कानपुर के हमारे मानस जी, तो हम दोनों का प्यार बनाए रखें और हमारा शो देखते रहें। थैंक यू। सो गाइस अभी आप मिले टीका, मलखान और डॉक्टर साहब से। अब आप गेस कर सकते हैं मैं आपको किससे मिलाने जा रहा हूँ। अब किससे कौन मिलेगा, एनी गेसेस कौन हो सकता है अगला? तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ फिर। अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ सर। हाय दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि मानस अरोड़ा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जुड़ें। जो भी कंटेंट मानस डालता है, चाहे वो हम लोगों के साथ मिलकर है या फिर खुद का है, उसे जो है सराहें और उसे बहुत इंजॉय करें। और भाभी जी घर पर है, लगातार देखते रहें। सर आपके बहुत सारे फैंस हैं सर कानपुर में, बहुत, मतलब मेरे को इतनी रिक्वेस्ट आती है कि तिवारी जी का इंटरव्यू लो, उनसे बात कराओ कभी, बहुत फैन फॉलोइंग आपकी सर। नहीं बिल्कुल, हम लोग जो है कानपुर गए भी थे एक बार NTV की तरफ से, मैं और अंगूरी और आसिफ भाई और सौम्या उस समय गए थे, और हमें विश्वास नहीं हुआ था कि हमारा वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था। मतलब हमारे होटल के बाहर भी लोग खड़े थे, और जब हम जिस ऑडिटोरियम में गए जहाँ पर हमने एक छोटा सा स्किट परफॉर्म किया था, वो तो कमाल था। मतलब पागलों की तरह लोग हमसे प्यार करते हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई, रियली बहुत खुशी हुई। और सर मतलब भाभी जी के बारे में और कुछ मतलब बता? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए ये एक थोड़ा सा बड़ा एक डिफरेंट तरह का सीरियल है, जो कि टिपिकल सास बहू का कॉन्टेंट नहीं है, ये एक नॉटी कॉन्टेंट है जिसमें एक शख्स जो है वो कॉमेडी, हाँ कॉमेडी, नॉटी कॉमेडी, ये बहुत ही रियलिस्टिक कॉमेडी उस तरह से नहीं है, जिसमें एक शख्स दूसरे की बीवी से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत भी जो है वो बड़ी साफ पाक मोहब्बत है, उसमें किसी तरह की वल्गैरिटी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने उसको पसंद किया, क्योंकि शुरू में हमें लगा था कि शायद इस कॉन्टेंट को लोग सिरे से नकार देंगे, उनको लगेगा ये वल्गर है, ये है वो है, लेकिन सिर्फ बड़े ही नहीं, बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि बच्चे भी हमारे सीरियल से जुड़ गए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात रही। और धीरे धीरे करके हमने इसमें कंटेंट में काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर डालने शुरू किए, जिसमें टिल्लू टीका मलखान फिर जुड़े, उसके बाद हप्पू सिंह दरोगा जुड़ा, जिसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे लोग, तो एक तरह की टीम बन गई जिसमें से हर कैरेक्टर हिट है, यहाँ तक कि मास साहब जो कि बहुत कम दिखाई देते हैं वो भी बहुत हिट है, और उनका वो डायलॉग जो संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं, वो भी हिट है। उसके बाद सक्सेना का आई लाइक इट तो स्कूल के बच्चों में बहुत फेमस है, जबकि टीचर जो ऐसे कि मारता ना ऐसे तो बोलते हैं आई लाइक इट। तो ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सीरियल के साथ जुड़ गई, और ये जो है टेलीविज़न की शोले बन गई जी। तो एक बार फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मानस अरोड़ा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जुड़ेंगे तो हम भी अच्छा कंटेंट उसके चैनल पर डाल पाएंगे, और हम सब मिलकर आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मैं सर के साथ कंटेंट लाता रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ, और मेरा भी YouTube चैनल है रोहिताश गौड़, बिल्कुल सर का चैनल को भी आप लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, और इंस्टा पर तो हम लगातार आते ही रहते हैं, आप देखते होंगे मुझे रोहिताश गौड़ के नाम से। मेरी तीनों बेटियों का एक ट्रियो भी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, डांस करते हैं। तो अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, एनी गेसेस कौन हो सकते हैं? वही जिनकी सेठ जी ने आज तक तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, वे बोलते रहते हैं सेठ जी मेरी तनख्वाह कब दोगे, तनख्वाह मिल गई आपकी? तो ठीक, तनख्वाह की बात मत करियो वरना कसम खा के करियो मानस तेरे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊँगा। परेशान ना हो, ऐसा है दोस्तों, अपना लौंडा है, होनहार है, टैलेंटेड है, चैनल शुरू किया है इसने मानस अरोड़ा के नाम से, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वरना कसम खा के कर रही हूँ एक एक गुर्दे छील दूंगा। मजाक कर रही हूँ भैया, आप सब बहुत प्यार करते हो भाभी जी घर पर हैं से, और हम आपसे प्यार करते हैं, तो आप सब प्यार करो मानस के चैनल से। गॉड ब्लेस यू। सर तनख्वाह मिली कि नहीं?
यार देख कसम खा के कह रही हूँ, कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी के गुर्दे पकड़ के लटक जाऊंगा, भुतने वाले ने 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी। कोई बात नहीं, आप सबकी दुआएं साथ में हैं, ऊपर वाला अपने पास से गैब से तनख्वाह खूब दे रही है, खूब दे रही है, खूब दे रही है। कीप वॉचिंग, भाभी जी घर पर हैं और सर को खूब प्यार आप लोग देते ही हो। मुझे कानपुर से बहुत मैसेज आते हैं कि सर का इंटरव्यू लो, जल्दी इंटरव्यू भी लूंगा मैं सर का, पूरी जर्नी जानूंगा। अभी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो गुर्दे छील लूंगा। बाय। सो गाइस, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ आपके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। गेस कर सकते हैं आप कौन होंगे? जी हाँ, आई लाइक इट। थैंक यू मानस, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे प्यारे दोस्त मानस अरोड़ा का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे मानस और बहुत प्यारे इंसान हैं, बड़े अच्छे गायक भी हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। और आप सब के लिए मानस अरोड़ा, आपके लिए, आपके यूट्यूब चैनल के लिए, आई लाइक इट। थैंक यू। थैंक्स। सो गाइस, आई एम बैक फाइनली होम। टायर्डनेस और उसके बाद आई एम फाइनली बैक। सो गाइस, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड।